हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर फिल्मी। अभी के समय के दो सबसे बड़ी अपडेट को लेकर सामने आया हूँ। सबसे पहले एसआरके की जवान फिल्म में अल्लू अर्जुन सर की एंट्री हो सकती है, एंड दूसरा अपडेट क्रिश फोर्ड को लेकर। तो सबसे पहले एसआरके की जवान फिल्म को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, अल्लू अर्जुन सर को हम एसआरके की जवान फिल्म में देख सकते हैं, यस। लेकिन अभी भी ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं हुआ है, बिकॉज अल्लू अर्जुन सर की ओर से कोई कन्फर्मेशन अभी भी नहीं आया है। बट जवान फिल्म की जो डायरेक्टर है एटली कुमार, उन्होंने अल्लू अर्जुन सर को अप्रोच किया है एक इम्पॉर्टेंट केमियो के लिए जवान फिल्म में, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमियो रहने वाला है। अब देखने वाली बात है, अल्लू अर्जुन सर इस केमियो के लिए राजी होता है या नहीं। मेरे ख्याल से दोस्तों हाँ कर देगा, क्योंकि एसआरके को इंडस्ट्री में सभी लोग पसंद करते हैं। एंड एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने कहा था एसआरके उनका बहुत ही पसंदीदा एक्टर में से एक है, एंड बचपन से ही वो एसआरके का फैन रहा है। सो लेट्स सी, देखने वाली बात है क्या होता है। वैसे भी इस फिल्म का हाइप भी बहुत ज़्यादा है, और इस फिल्म में थालापति विजय सर का भी एक कैमियो है। एंड अगर अल्लू अर्जुन सर का भी कैमियो होता है तो ये फिल्म नॉर्थ इंडिया के साथ साथ तमिल, तेलुगु, ऑल ओवर इंडिया में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगा। अब बात करते हैं क्रिश फोर को लेकर। दोस्तों, क्रिश फोर की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है, यस। राकेश रोशन और ऋतिक रोशन क्रिश फोर की स्क्रिप्ट को रेडी कर चुकी है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई मिल गया क्रिश एंड क्रिश थ्री को, राकेश रोशन डायरेक्ट करते आया है, बट क्रिश फोर राकेश रोशन डायरेक्ट नहीं करने वाला है। दरअसल ऋतिक रोशन क्रिश फोर को डायरेक्ट करने के लिए हॉलीवुड से किसी डायरेक्टर को लाने वाला है, क्योंकि हॉलीवुड के डायरेक्टर एक्शन सीन एंड स्पेशल इफेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकता है। एंड ऋतिक रोशन लॉस एंजलिस एले जाने वाला है, एंड वहीं पे ही किसी डायरेक्टर को अप्रोच करेगा। सो अभी देखने वाली बात है क्रिश फोर का डायरेक्टर कौन बनता है। सो दोस्तों, अभी के लिए यही अपडेट था, और ऐसी फिल्मी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।